Hello guys, welcome back to my channel Jacquard and Craft. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. चाहिए A4 साइज शीट एंड A4 साइज शीट को हमें कुछ इस तरह फोल्ड करना है। सो गाइस यहाँ पे हमें 10 सेंटीमीटर मार्क करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। एंड अब हमें लाइन ट्रेस कर लेनी है एंड अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बनके बेस तैयार हो गया है। अब हम इसमें बीच में काटेंगे इसको एंड कुछ इस तरह पेस्ट करेंगे। मैं तो यहाँ फेविकॉल से कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये आइडिया मेरा कैसा लगा आपको। सो गाइस हमें कुछ इस तरह फोल्ड करना है इसको बंद करने के लिए। एंड यहाँ पे अब मैं कलरफुल शीट्स ले लूँगी, आप अपने पसंदीदा कलर की भी ले सकते हैं। और ये तीनों शीटें 10 सेंटीमीटर की है, तो अब हम एक एक करके इन सबको पेस्ट कर देंगे और ये इजीली पेस्ट हो जाएंगी। सो गाइस अब मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने घर के अंदर जो भी आपका ड्रीम हाउस है उसके अंदर आप क्या क्या चाहते हैं वो बना लीजिए। मैंने तो यहाँ पे एक लैपटॉप और एक ड्रेसिंग टेबल बनाई है और एक चेयर छोटी सी, और भी मैं यहाँ पे खूब सारी चीज़ें बना लूँगी पर वो मैं दिखाऊँगी नहीं बनाते हुए। तो ये मेरी वो सारी चीज़ें बन गई है। हम एक एक करके इसको जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा बेड बना लिया है। तो गाइस इस बेड को ही बनाना बहुत इजी है, बस आपको एक शीट लेनी है एंड उसको फोल्ड कर लेना है, बस ये हमारा इजीली बेड बन जाएगा। और वीडियो मैंने इसकी बनाई थी पर गलती से वो डिलीट हो गई, तो मुझे डायरेक्टली दिखाना पड़ा आपको। एंड अब हम इसके कुशन ले लेंगे, अब वो भी मैंने बनाया है पेपर का। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो गाइस ये मेरा बनके रेडी हो गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ कमी है वो आप बताएंगे। अभी ये मैंने यहाँ पे इसका पायदान बनाया है एंड मैं बेड के नीचे वो लगाऊंगी। एंड या ये हमारा बनके रेडी हो गया है। बस यार गाइस अब हम इसमें टाइम लगा देंगे, मतलब वॉच लगा देंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे एक सीनरी भी लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक घर में सीनरी नहीं होती ना तब तक घर का लुक नहीं आता है। सो गाइस मैं सोच रही थी कहाँ लगाऊँ, लेकिन फिर मैंने यहाँ लगाया, मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस ये हमारा बनके ड्रीम हाउस, मतलब मेरा ड्रीम हाउस बनके रेडी हो गया है। और आप भी अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं अपनी पसंदीदा चीज़ों से। तो यार मेरा ड्रीम हाउस बन गया है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।